नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वेस्ट से वेल्थ बनाने पर जोर दिया। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में तिरुपति से आए बालों से अमीनो एसिड बनाकर मुनाफा कमाने की पूरी कहानी बताई। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वर्धा के महात्मा गांधी विज्ञान संस्थान ने एक शोध करके कटे हुए बालों से अमीनो एसिड बनाया है। उन्होंने कहा कि वो इसकी बोतल लेकर घर आए और इसका खेतों में प्रयोग किया, जिसका अच्छा परिणाम आया। गडकरी ने आगे कहा कि उन्होंने सोचा है कि क्यों ना वो इस तकनीक के माध्यम से किसानों की मदद करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने गाँव में कटे हुए बालों से अमीनो एसिड बनाने की एक छोटी सी यूनिट डाली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब वो रोजाना तिरुपति से 5 ट्रक बाल खरीदते हैं और इससे अमीनो एसिड पर आधारित माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्लांट में कटे हुए बालों से तैयार अमीनो एसिड की एक बोतल, जिसकी आम तौर पर कीमत 900 रुपये है, उसे वो 300 रुपये में देते हैं। गडकरी ने आगे कहा कि उन्हें दुबई की सरकार इसके लिए 180 कंटेनर का ऑर्डर भी मिला है, जिसमें से 40 कंटेनर की आपूर्ति भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कटे हुए बालों से तैयार अमीनो एसिड से 12 से 15 करोड़ का मुनाफा हो रहा है, जबकि इसे लगभग लागत के खर्च पर ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।